आप कैसे खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आपकी दुआएं आपकी। आपसे बड़े जो है डिप्रेसिंग माहौल में थोड़ा एक साल सवा साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। कोविड में आई थी। हाँ, मैं JTC आई थी और यहाँ पर आप करीब में ही रहते हैं, ये वही एरिया है ना? घर है और थोड़ा सा इसके फासले पे मेन रोड के ऊपर ऑफिस है। yes, अभी मैं वहाँ से होती भी आई हूँ। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर? पैदा यहीं हुए। यहीं पैदा हुए? तो कहीं आप शिफ्ट नहीं हुए? वो जो पुल के इस पार और उस पार कराची में मजाक होता है। नहीं नहीं, हमारा तो संजीदा मैटर है, पुल के इस पार और उस पार। संजीदा मैटर है। ओके, इस पे तो खूब जोक्स होती होंगी। हाँ बिल्कुल, लाजिम आता है, वो जोक्स भी होती है और हकीकत ही होती है, बाद में जोक बन जाती है। स्टार है आप इस गली के? हाँ, इस गली के तो स्टार है। क्या कह के बुलाते हैं आपको यहाँ पे? नहीं, लोग अलग अलग तरीके से, मतलब बच्चे हैं वो जफर भाई बोलते हैं, जो और छोटे हैं वो अंकल बोलते हैं, कुछ को हम अंकल बोलते हैं, कुछ को हम भाई बोलते हैं। तो आपका वो क्रिकेट वाला नाम नहीं है गली में? क्रिकेट वाला नाम नहीं, क्रिकेट विकेट वाला नाम नहीं है हमारा, तो फलाइया वाले से ही नाम। खेली है वैसे आप? हाँ हाँ, खेला, दुनिया का हर खेल है। आप छोड़ दिया? हाँ, अब छोड़ दिया, टाइम ही नहीं है अभी। अब आप और खेल देख रहे हैं ना दुनिया में, देखने में बड़े बड़े खेल है ना। चल के बात करते हैं। सो जनाब, हम जो है ज़फ़र साहब के घर आ चुके हैं। मैं आपको ज़फ़र साहब बोलूं, ज़फ़र भाई बोलूं या क्या बोलूं, भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। रमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मुझे पता चला आप लोगों की अरेंज मैरिज है। कितने साल हो गए आपकी शादी? 9 ईयर्स। 9 ईयर्स, माशाल्लाह। सो आप इतने वैसे यंग रहने के लिए क्या करते हैं? यंग है, 9 साल आपकी शादी को, माशाल्लाह माशाल्लाह हो गए। नहीं बिल्कुल, ज़्यादा इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये कि फिर भी एक एक क्या कहते हैं उसको, डेकेड को उर्दू में क्या कहते हैं, दिहाई होने वाली है। माशाल्लाह, आपके दो बच्चे हैं? दो बच्चे, खिजर और अहमद। ये बताइए कि रिमशा, आपने जो है वो ज़फ़र भाई को कैसा पाया, लाइक पहले दिन से लेके अब तक क्या डिफरेंस है? मतलब कि पहले दिन से लेके, पहले तो मतलब थोड़ी कम मसरूफियत थी, अब तो बहुत बढ़ गई क्योंकि काम बढ़ रहा है NGO की वजह से बस। और मतलब कि बहुत अच्छे हैं, मतलब ये बहुत। जब शादी आप लोगों की हुई थी तो ज़ाहिर है अरेंज मैरिज किसने पसंद किया था? मेरी सास ने, सास और नंद दोनों। किसी शादी में देख लिया था? जी, हम मतलब कि इवेंट में। सो क्या कहा था? क्या कहा था कि लड़का क्या करता है? लड़का उस वक्त इनकी एक जगह जॉब थी। हाँ। किसी जूस कंपनी में जॉब थी वहाँ पे, तो ठीक ठाक कमाता था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये भी बताया था साथ साथ कि ये मतलब NGO है। तो आपने तो कहा वाह भाई, ये तो रॉबिन हुड से मेरी शादी हुई है, क्या बात है, है ना। उसके बाद जब आप आई तो आपको पता चला कि कितनी मुश्किल होती है, क्या। सो घर कब होते हैं ये? कितने, 4 दिन बाद, 1 दिन? नहीं नहीं, बस रात में। इनके कोई टाइमिंग्स असल में है नहीं, क्योंकि हाँ। कभी भी किसी वक्त मतलब कि कहीं भी जाना हो पड़ सकता है। हाँ। तो रात में तकरीबन 4 बजे 5 बजे कोई टाइम नहीं है मतलब आने का, मतलब ये सुबह में 1 बजे तक होते हैं, मतलब तो सुबह 1 बजे जाना पड़ जाता है, कभी कहीं इमरजेंसी हो तो फिर जल्दी जाना पड़ जाता है। और बच्चों के साथ कैसे टाइम गुजारते हैं? बच्चों के साथ तो बहुत कम टाइम स्पेंड करने को मिलता है। हाँ, बच्चे सो जाते हैं जब स्कूल होते हैं, जब ये आते हैं तो ये लोग सो रहे होते हैं, तो बहुत कम। तो अभी सर्दियों की छुट्टियाँ जो है वो शुरू हुई हैं, इसमें हो सकता है कि बच्चों को भी थोड़ा टाइम मिल जाए। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं, कौन सी एक चीज़ है, कोई ऐसा है कि हम एक वक्त का खाना साथ खाएँगे, या ईद पे तो होना ही होना है घर पे? नहीं, कोई है ऐसी ट्रेडिशन? या फिर किसी स्पेशल इवेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं होना होता है घर पे। ये तो उल्टा ही हो गया, मगर जाहिर सी बात है उनका काम ही ऐसा है ना कि स्पेशल ओकेजंस पे और ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। पढ़ाई क्या की? मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। क्या बात, आगे इंशाल्लाह मेरी अभी जो है कंटिन्यू है, मैं ग्रेजुएशन अभी मैंने स्टार्ट किया है बच्चों के बाद। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये दिस इज़ गुड न्यूज़। तो आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आया था जब इनको जाना पड़ गया था? कौन सी शादी थी, किसकी सालगिरह थी? काम के लिए। आप कल की बात ले लें, आज मेरी बर्थडे और इनको याद नहीं था। हैप्पी बर्थडे हम आपका केक काटेंगे, याद ही नहीं था। मर्दों के साथ ये मसाइल है, इनको कोई डेट्स याद नहीं रहती। ये सुन रहे हैं आप, टीवी पे बता रही हैं आपकी बेगा, आपने सोचा था एक दिन मेरी बीवी टीवी पे बोलेगी ये बातें? हाँ, मगर क्यों, ऐसा क्यों होता है मर्दों के साथ? मल्टा टास्क नहीं कर सकते आप लोग हमारी तरह? काम का लोड इतना ज्यादा है, मैं रात में आया तो मुझे अंदाजा नहीं था, फिर वो फौरन निकलना था सुबह। आज वो मुराद सोनी साहब, उन्होंने औरतों का सेंटर का इफ्तिताह किया मिटियारी में, वहाँ जाना था, वहाँ से भिटशा जाना था, फिर वो सब निपटा के घर पहुँचे। तो आज मेरी बेगम की बर्थडे, आज मैं 200 लोगों को और ज्यादा खाना बांटूंगा। खाना तो हमारा वैसे ही अनलिमिटेड चल रहा है घर से बाहर। नहीं, खाना तो हमारा अनलिमिटेड चल रहा होता है वैसे ही। इनकी खराबी क्या है, वीकनेस क्या है इनकी?
ऐसी कोई वीकनेस नहीं है मतलब। अच्छा सही सही, कोई तो होगी। अच्छा गुस्सा किस बात पे आता है इनको? गुस्सा वैसे घर में तो हमारा माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब घर में इतना गुस्सा वुस्सा मतलब बाहर की बात कोई भी चीज कोई भी घर में मतलब डिस्कस नहीं होती। ओह वाओ, एनजीओ की बात एनजीओ में। तो आप बताती हैं घर पे आके कि वहाँ पे ये हो रहा था, आप चेक कर लें जाके? और हाँ थोड़ा बहुत सुन रहा था, ऐसा लगता तुम्हें पता नहीं मैं किसकी बीवी हूँ। नहीं नहीं कहीं मतलब जाके ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो बच्चों के लिए क्या सोचते हैं एज ए पेरेंट, मुझे बताएं जब आप बाप बने थे तो कैसा फील क्या था? जिसको बाप बने तो सब एक जगह गए हुए थे जब पहला बेटा हुआ था, फिर पहुंचे थे थोड़ा देर अस्पताल में, लेकिन यही सोचते हैं कि अच्छी तरबियत हो जाए, अच्छा पढ़ लें और लोगों के लिए उसी नज़र से देखें जिस नज़र से हम देखते हैं लोगों को, इंसान समझे उनको। डिप्रेशन होती है कभी? और मतलब इतनी मतलब डिप्रेशन इनको होती है? ये तो नींद में भी बोलते होंगे कि वहाँ पे खाना पहुँचा। ये मतलब कि कंटिन्यूसली इनके पास फ़ोन आ रहे होते हैं, हर हर फ़ोन केस के मुताबिक होता है, मतलब हर कॉल को अटेंड करना मतलब फुल ड्यूटी है। तो कभी कहती हैं कि यानी आप अपना लोड काम का कम करें, और कोई आइडिया दिया है आपने कभी? नहीं, कभी कभी मतलब होता है कि थोड़ा सा आगे मतलब लड़कों को थोड़ा सा करें इनकरेज। आपसे मैं यही पूछूंगी कि यानी बहुत सारे काम जो है वो मैनेजरियल क्वालिटीज होनी चाहिए, इंसान बैठे बैठे बहुत काम करवा सकता है, जरदारी साहब को आप देख लें, तो आपने नहीं सोचा कि आप अपने ज़रा आगे करें फॉरवर्ड? नहीं, सब काम आगे दिए हैं लोगों, देखें अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग हैं, एडमिन के अलग हैं, एम्बुलेंस के अलग हैं, दस्तरखान के अलग हैं, आईटी के अलग हैं, डायलिसिस के अलग हैं, और ये सारे वो काम हैं जिसमें ज़िंदगी मौत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है। किसी का पेशेंट जा रहा है हार्ट पेशेंट, तो उसका मतलब आपकी सर्विस, आपकी गाड़ियों में ऑक्सीजन, आपके मगर मुझे लगता है कि आपको खुद भी सुकून नहीं आता जब तक आप खुद वहाँ पर मौजूद नहीं। बात है, आप कोई खुदा ना खास्ता कहीं आपके डायलिसिस सेंटर में, आपके ओल्ड एज होम में किसी की तबीयत खराब हो गई, जो बुजुर्ग रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, तो वो आप ही के जिम्मे हैं, और किसी हर जगह तो इंसान नहीं हो सकता एक वक्त, लेकिन सिस्टम तो चलाएगा ना कोई ना कोई, उसको बैठ के देखेगा, मॉनिटर करेगा, लोगों से सवाल जवाब होगा, खाना पक रहा है डेली हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये कब तक भाग दौड़ चलती रहेगी आपकी? हम तो रोजाना बोलते हैं कि हुकूमत अपने मामला, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो, तो हम तो कल अपने हाथों से अपने दायरे को ताला लगा दें। डर लगता है आपको? डर लगता है मतलब कभी, मतलब जाहिर सी बात है हर नॉर्मल इंसान को डर लगता है थ्रेट से और सब कुछ। बीच में ऐसे इवेंट्स आए भी जब जो है आप काफ़ी ट्रॉमा होगा आपके लिए, तो कैसे अपने आप को उस चीज़ से, क्या बात करते हैं आप लोग उस वक्त, कैसे हिम्मत करते हैं? बस मैंने अपने घर में बाहर की बात कभी नहीं की, कभी नहीं की, क्योंकि मुलाकात के टाइम ही आधा घंटा। मगर कभी टीवी पे देख के ऐसे पता चल रहा होता है अच्छा ये हुआ था, अच्छा ये हुआ था। टीवी पे इतना ये खुला बोलते हैं, तो आप लोग नहीं कहते कि इतना ज्यादा आप नहीं बोला करो, थोड़ा हल्का हाथ रखो? बोलते हैं, फैमिली वाले सब बोलते हैं। घर में आपके अलावा कौन बोलता है सबसे ज्यादा? नहीं कोई है जो इनसे तंग है घर में? नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ बस तब थोड़ा समझा रहे होते हैं बस और कुछ। हाँ लेकिन आई एम श्योर कि सब बहुत प्राउड भी होते होंगे। आपके घर में कौन कौन रहता है? माई ज्वाइंट फैमिली है, माशाल्लाह चार भाई हैं, चारों की फैमिली यहीं पे रहती हैं, अम्मी अब्बू हैं। ये लग रहा है कि पहली दफ़ा टीवी पे आई हैं माशाल्लाह, है ना, खूब हमें मज़ा आ रहा है बातें करते हैं। और क्या